शिवपुरी के पोहरी बस स्टैंड पर कल नगर पालिका अमले ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम चालू की है, जिसमें 40 दुकानें हटाई गई थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन में आज सभी गुमटी के संचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे। 40 गुमटी के संचालक आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जनसुनवाई में भी पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि कल बिना किसी नोटिस के अचानक से नगर पालिका अमले ने हमारी 40 दुकानों को हटा दिया था। लोगों ने बताया कि न ही नोटिस न ही हमें समय दिया गया, अचानक से आकर हमारी दुकानों को हटा दिया गया, जिससे हमारा नुकसान हुआ है। नगर पालिका हमारे नुकसान की भरपाई के साथ साथ हमें नई जगह दे जहां पर हम अपनी व्यापार कर सके। सभी लोगों ने नगर पालिका सीएमओ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मुर्दाबाद के नारे आप लोग क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि कल शाम को अचानक 5 बजे बिना हमको नोटिस दिए हुए, ना कोई जानकारी दिए हुए, एकदम आके हमारी स्टालों लगी थी बस स्टैंड पे, हमारी स्टाल थी ढकेलने वाली स्टाल है ठेला वाली, आके सीएमओ ने कहा कि हटाओ हटाओ, हमने कहा हटा रहे हैं। इतने में सीधा मशीन द्वारा हमारी स्टाल है पूरी तोड़ दी और पूरा सामान भर ले गए हमारा। कितनी स्टाल है हटाई? 50-40 स्टाल है। सीएमओ का कहना है सब अवैध है। अवैध है तो आज 20 साल से अगर वहाँ धरी हुई है तब तक अवैध नहीं थी। अगर आपको हटाना थी तो हमको कहीं कहीं जगह देके हमको कहीं पे वो करके और हमसे कह देते, वो दे देते हमको नोटिस की हटाना है, हम हटा लेते, हमारा नुकसान तो नहीं होता। हमारी तोड़ के और सामान हो बोल सब भर ले गए तो हमारा नुकसान किया ना। कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए, कम से कम हमारा जो नुकसान किया है उसकी भरपाई हो और हमको कहीं भी स्थाई कहीं जगह दी जाए जहां हम ये लोग गरीब आदमी सब अपने बच्चों का पेट पालन कर सकें। नहीं इतना लोग बेरोजगार होगा तो कहां जाएगा, क्या करेगा, कैसे अपने बच्चे पालेगा। अच्छा, आपको है ना यदि जगह या फिर भुगतान नहीं किया गया आपका जो नुकसान हुआ तो फिर आप क्या करोगे? ये कहेंगे मरने के सिवा कोई काम है नहीं, फिर तो प्रशासन से निवेदन है कि सब मार दिया सबको। क्या नाम है आपका? रेखा सर। रेखा, कैसे आई हो आज यहाँ पे जन सुनवाई में? हमारी दुकान का सामान भर ले गए पूरा और हमें नोटिस नहीं दिया बस स्टैंड पे। 15 साल से दुकान लगा रहे हैं, क्या तो हो सकता है? ऐसा कर रहा है तो घर में ना जाती ना भर के नानी सरकार ऐसी है तो कोई जनता काम पे नहीं जाएगा। अच्छा, सामान कौन ले जाएगा? सामान कौन ले जाएगा? नगर पालिका वाले लगा भर के रोड पर दुकान लगा रहे हैं। रोड पर दुकान एक तरफ दुकान लगा रही है पूरी रोड पर लगा रहे तो बस कैसे निकलती? अच्छा, आपकी दुकान है कितने समय से लग रही है? 15 साल है हमारी दुकान है। 15 साल से आदमी मर गए। आपकी काई की दुकान थी? मनियारी की चूड़ी की दुकान है हमारी। 20-20 हजार की पूरी स्टार टूट गई, सब हो गया बेचारे का। कोई कहाँ से करा, कोई छोटी छोटी बच्ची है कलेक्ट्रेट का, कोई ना इधर रहा, कोई घर भर का नानी। ये सब किसके आदेश से हुआ था? कोई कौन आदेश दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, क्या पता? 5 बजे गए शाम को, शाम को 5 बजे गए। आपको आपको पहले हटाने के लिए किसी ने सब लोग उन्होंने इतना ही मौका नहीं दिया कि दुकान को हटा सके। अरे रुको, योगेंद्र शर्मा। अच्छा, आज आप यहाँ पे आयो कलेक्ट्रेट परिसर, क्या समस्या लेके आयो? समस्या ये थी कि कल बिल्डोजर आया था शाम को 5 बजे अचानक, कोई पता नहीं था। किसका बिल्डोजर? सीएमओ आया था। कौन से? नगर पालिका का। अच्छा, क्या कहा? तो उन्होंने सामान मतलब दुकान हटानी नहीं दी, सीधा आके एकदम तो एकदम जल्दबाजी में मौका ही नहीं दिया कि दुकान हटा सके। अच्छा, कहाँ थी आपकी दुकान? पौड़ी बस स्टैंड पर। पौड़ी बस स्टैंड पर। क्या सभी लोगों की हटाई है? क्या सभी लोगों की? कितने लोगों की हटाई? सब लोगों की 40 दुकान थी, किसी की तोड़ दी, किसी की लुटा ले गए और किसी की हटा दी। अच्छा, ये ये लगी है आप? ये जल्दबाजी दुकान हटाने वक्त लग गई थी। अच्छा, उनकी मशीन वगैरह से जेसीबी से या आप? मशीन से नहीं, वो मशीन आगे रख दी थी, उन्होंने कह रहे थे जल्दी हटाओ नहीं इसको तोड़ देंगे। अच्छा, किस विषय में हटाया था? पता नहीं है, वो बाती करवाने के चक्कर में। किसके आदेश से? सीएमओ के आदेश से, नगर पालिका सीएमओ। अच्छा, आपकी जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होती है तो इस विषय में फिर आप क्या करोगे? धन्यवाद, चक्कर जाम करेंगे, बिल्कुल चक्कर आपको करना पड़ेगा कुछ।